फिल्म पीपली लाइव का वो गाना आपने जरूर सुना होगा कि सखी सैया तो खूब ही कमात है लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। जी हाँ, महंगाई जब जब बढ़ती है आम आदमी की जेब पर सीधे तौर पर असर पड़ता है, लेकिन बात की जाए तो देश के माननीयों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देश के सांसदों की और विधायकों की। जी हाँ, बात हो रही है सैलरी की, वेतन की, जो लाखों में है, और इसके साथ साथ में विधायकों और सांसदों को जो भत्ता मिलता है उसका भी जो है आंकड़ा ऊपर लगातार बढ़ते जाता है। बात जब जब की जाए तो 2 जून की रोटी का संघर्ष आम आदमी की जिंदगी में है, लेकिन जो देश की सेवा करने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव जीत कर जो कुर्सियों पर बड़ी बड़ी बैठते हैं, वे क्या वाकई में इन सैलरियों के काबिल है? क्या वाकई में उन्हें जो सैलरी मिलती है उतना काम वो करते हैं, या फिर हकीकत कुछ और भी है? क्योंकि ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, लेकिन सवाल कहीं उठते हैं, लेकिन पूछने से पब्लिक कतराती है। आज एमपी न्यूज़ की टीम इसी तरह इन्हीं सवालों को आज उठा रही है, युवाओं के बीच है, पब्लिक क्या मानती है, यह जानेंगे। क्या वाकई में सांसदों और विधायकों की लगातार बढ़ती सैलरी यहाँ पर देश के लिए सही है? क्या आम जनता का नजरिया क्या है, ये सीधे तौर पर जानेंगे। सबसे बड़ा सवाल उठता है, लगातार सैलरी बढ़ती है, मध्य प्रदेश की बात करें तो एक विधायक की सैलरी 1,20,000 से ऊपर है, तो वहीं देश के सांसद 2,00,000 से भी ज़्यादा प्रतिमाह कमाते हैं। आपका क्या जो है वो इस पूरे मामले में कहना है? क्योंकि तो जिस तरह का ये सवाल है वो हम सीधे तौर पर माननीयों से नहीं पूछते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये सवाल कचोटता जरूर है। पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि जनता के सामने आप लोगों ने ये सवाल उठाया है और काफ़ी बड़ा मुद्दा है, ये सच में देश की जनता जानना चाहती है। 3-4 तथ्य हैं, मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। पहली बात ये कि देश में आज ऐसी स्थिति है, 2 बातें होती है। पहले तो नेताओं को प्रिविलेज मिलना चाहिए या वेतनमान। अगर प्रिविलेज मिलना चाहिए तो आप उनको सम्मान तो दे रहे हैं, तो वो उस वेतनमान के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वो भी एक आम नागरिक से ही उस गद्दी पर पहुँचे। उन्हें ये जानना चाहिए कि वो समाज की सेवा के लिए हैं, किसी फायदे के लिए नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज देश की ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग एम्बुलेंस और लाल बत्ती जो नेताओं की गाड़ियों पर लगा रहता है उनमें फ़र्क नहीं समझ रहे हैं। लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं, एम्बुलेंस को आज रास्ता नहीं मिलता, कई लोग मर जाते हैं। ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं भारत में, मैं ये कहूँगा। और तीसरी बात यह है कि ये तो वैसी परिस्थिति है जैसे देश में किसी को 56 भोग लगता है कि 56 भोग बनाया हमने और खा भी हम खुद गए। तो ये संसद में जब लोकसभा में, राज्यसभा में कोई बिल पास होता है, हमारे विधायक माननीय लोग, हमारे सांसद लोग खुद बिल पास भी करते हैं, अपनी वेतनमान को बढ़ाते हैं, इतनी सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती है। लेकिन एक तरीके से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, देश के सारे नेता ऐसे नहीं हैं। कई लोग हैं जो देश के लिए वाकई में दिल से काम करते हैं। त्रिपुरा के जो CM हैं वो वाकई में, उनका वेतनमान 4 से 5 हज़ार रुपये है, वो अपने आधे पैसों को देश की सेवा में लगाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूँ। और दूसरी बात यह है कि देश को बदलने की ज़रूरत है। अगर ये लोग नहीं बदले तो ये क्रांति आगे बढ़ती रहेगी और कहीं ना कहीं मुँह की खानी पड़ेगी। तो सवाल कई तरह के हैं और कुछ और भी यहाँ पर हमारे साथ में कुछ जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब कोई दूसरा बिल हो, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो संसद के अंदर, सदन के अंदर पक्ष विपक्ष के नेता आपस में लड़ते हैं, कई बार जो है वो जूता मार जैसी स्थितियां भी यहाँ पर सदन में देखने को मिली है। लेकिन जब बात वेतन वृद्धि की हो, माननीयों के वेतन की वृद्धि की, तो उस वक्त चुप्पी साधे बैठे नेता, तमाम जो जिम्मेदार नेता है, सांसद और विधायक, वो चुप्पी साध कर बिल पास कराने में अपनी कहीं ना कहीं सहमति आगे बढ़ाते हैं। इस सवाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। इस सवाल पर सीधी सी बात तो यह है, जब बात जनता के भले के लिए होती है तो वो आपस में ही पार्टी पॉलिटिक्स में उलझ जाते हैं, और जब बात आती है अपने भले के लिए, जब गवर्नमेंट के पक्ष में जब बात आती है, तो वो लोग आपस में इस तरह से खेलते हैं कि उनका जो प्रॉफिट हो, उनका बेनिफिट कहीं ना कहीं से वो देख ही लेते हैं। अगर कोई बिल आया है, अगर कोई नया प्रोजेक्ट पास हुआ है, तो उसमें वो चीज़ देख लेते हैं कि अपना कट कैसे निकलेगा या फिर काम कैसे कराया जाए ताकि पब्लिक को लगे कि काम हो रहा है। जैसे डेडलाइंस दी जाती हैं, हमेशा डेडलाइंस एक्सटेंड होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें। और रही बात वेतन की, तो विधायकों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो वेतन होते हैं, कहीं तरह तक, मतलब एक हद तक वो सही है, लेकिन एक लिमिट के ऊपर, जैसे 2,00,000 रुपये या 1,20,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आज एक स्टूडेंट को 15,000 रुपये पे करना होता है, उसके लिए उसके पेरेंट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है शायद उन लोगों को नहीं पता होगा। उसके अलावा उनको जो अलाउंस मिलते हैं, मेरे ख्याल से
उनकी सैलरी के कंपैरेटिवली अलाउंस बहुत ज़्यादा होता है। या तो आप अलाउंस थोड़ा कम करें या फिर जो फैसिलिटीज़ उनको मिलती है, फैसिलिटीज़ इसलिए कि वो ज़रूरी है उनके लिए, फैसिलिटीज़ सांसद हैं, एक इमेज है, डिस्ट्रिक्ट का इमेज होता है, तो फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं। लेकिन अगर वेतन की बात करूँ तो वेतन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करा जाना चाहिए। आपका क्या मानना है, सीधे तौर पर बात करें, सांसदों का वेतन और विधायकों की सैलरी बढ़ना कितना सही कितना गलत? मैं सर से पूरी तरह सहमत हूँ, उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है कि सांसदों को 2 लाख और हमारे विधायकों को 1,20,000, यहाँ तक इतना वेतन नहीं देना चाहिए। हम भी एक मिडिल वर्ग से आते हैं, हमें भी पता है कि 1.5 लाख 2 लाख कितना होता है हमारे लिए। यहाँ तक कि जो उन्हें अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती है, यहाँ तक कि उन्हें टोलों पर टोल नहीं देना पड़ता है, बिजली की सुविधा, उन्हें फ़ोन की अन्य सुविधाएं जो प्रदान की जाती हैं, उन्हें वो सब नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक कि एक हद तक देना चाहिए, क्योंकि हमारे नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें, आखिर उन्हें हमें ही चूज़ किया है। सो उन्हें आगे चल के ये देखना चाहिए कि आखिर ये पैसा गलत जगह इस्तेमाल ना हो, सही जगह देना चाहिए सबको। आखिर ये पैसा कहाँ जाएगा, देश हित के लिए ही जाना चाहिए। अन्य कारणों से अगर इस पैसा को बर्बाद किया जाएगा तो हमारे देश की जो रोडें हैं, जो सड़कें जो बर्बाद हो रही हैं, जिसको हम बनवाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। साफ तौर पर अगर बात करें, जनता जनार्दन का कहना है कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो भले ही यहाँ पर माननीयों को दिया जाए, लेकिन वेतन वृद्धि का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करता है। लेकिन साफ तौर पर अगर बात करें, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में, आपसे पूछेंगे किस तरह का जो है मामला है, खासकर जब वेतन वृद्धि की बात आती है, तमाम नेता जो है वो चुप्पी साध लेते हैं और सीधे तौर पर बिना बहस के प्रस्ताव जो है वो सदन में पास होता है। सर, ये जो एक्चुअली मुद्दा है ये आज से 4 या 5 महीने पहले का ही है, जिसमें सलमान खुर्शीद जी संसद में बोल रहे हैं कि हमारे पास लोग भी आते हैं, हमारा खर्चा नहीं हो पा रहा है। तो मैं उन्हें बता दूँ कि आप अपनी मतलब जो फ्लाइट पे भी जाते हैं तो उसका भी पूरा खर्चा ये लोगों का गवर्नमेंट ही उठाती है। हेल्थ केयर, एवरी फैसिलिटी, जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सब सरकार उठा रही है। और अगर देखा जाए इनकी सिक्योरिटी पे जो खर्चा होता है, तो आप देखेंगे एक नेता के ऊपर ऑलमोस्ट 30 to 32 गार्ड्स होते हैं। और अगर आप वही पुलिस वाले अगर आप देखेंगे तो उल्टा होता है कि 30 से 32 लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला होता है। ना हम सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, यही कारण है जो हम पाकिस्तान पे चिल्लाते रहते हैं। अब हम अपने ही मतलब पॉलिटिक्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस की गलती है। और जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब इनको समझना चाहिए कि जो पैसा जनता टैक्स के रूप में दे रही है तो उसका गलत उपयोग ना किया जाए। और जैसे अभी और भी मतलब केसेज हैं, जैसे सलमान खुर्शीद ने बोला था कि यार हमारा मतलब खर्चा नहीं हो पा रहा, तो आपको उनको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेहमान हर किसी के घर पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं, तो वो बात मैं मानता हूँ, आप बहुत बड़े लोग हैं, संसद बन गए हैं, 20-25 साल से संसद है, तो हो सकता है कुछ मतलब नेता लोग होते हैं गलत काम करके भी बनते हैं, लेकिन जनता जो होती है खून पसीने से कमाती है। जब उन्होंने कमाया है तो उनके घर पे मतलब इज्जत हर किसी की होती है सर, मेहनत हर कोई करता है, मेहनत एक गरीब भी है उसके यहाँ भी आते हैं मेहमान, वो भी अच्छे से उनकी पर करता है, उन्हें अच्छे से सम्मान देता है। आप करते हैं सर, आपके पर को बहुत से ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे ऑफिशियल्स ही आते हैं, आपके पर्सनल आते हैं, उनका तक खर्चा गवर्नमेंट देती है। तो आपको एक बार सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि एटलीस्ट अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो आप देखें 30 से 32 और उल्टा होता है जनता के साथ, तो एटलीस्ट मतलब हर जगह मरते हैं आप, मतलब फैसिलिटी अभी भी इंडिया में अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी देखेंगे तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे भी सर जनता को वो नहीं मिल पा रहा है जो नेताओं को मिलता है। नेताओं का हेल्थ केयर टोटल फैसिलिटी गवर्नमेंट उठाती है। और अगर एक बार पेंशन हो, जैसे अभी आपने करेंट मुद्दा है कि पेंशन जो अभी गवर्नमेंट की पेंशन है, मतलब गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनकी पेंशन का बंद कर दिया है। और अगर आपको बताऊं मैं तो एक दिन भी अगर कोई नेता है, एक दिन भी अगर कोई नेता बन गया है और एक दिन के बाद भी वो नेतागिरी से हटता है, पॉलिटिक्स से अगर या संसद से या विधायक से अगर उसे हटा दिया जाता है तो भी उसकी पेंशन है वो लाइफ टाइम चालू रहती है। तो एक बार ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स जो है, मतलब एक नेता अगर बन के आया है तो हो सकता है वो कुछ भी ना पड़ा हो, अंगूठा टेक क्यों भी कुछ, जैसे राहुल गांधी हैं अपने आप में लेजेंड मतलब कह सकते हैं, जिन्हें मतलब फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला है, वो बात अलग है, वो गिराते जा रहे हैं, वो बहुत चीज़ें हैं ऐसी। लेकिन हर कोई मतलब ऐसे नहीं आता, जैसे हम लोग हैं अब अपना पढ़ रहे हैं,
हमें इंस्टीट्यूट हम स्टडी स्टूडेंट्स हैं तो हमें इंस्टीट्यूट चाहिए, आप अपने जो इंस्टीट्यूट को पैसा देना चाहिए। मेरा जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ वहाँ पे खुद मतलब बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे मैं हॉस्टल में रहता हूँ उसके लिए रोड का चल रहा है अभी, लेकिन वो 10 साल से अप्रॉक्स चलता ही आ रहा है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कई तरह के बहुत से सवाल हैं ऐसे, लेकिन फिर भी मतलब इनको एक बार समझना चाहिए कि अपनी सैलरी पे कटौती करके जनता की भले में भी लगाना चाहिए। तो ये वाकई में बड़े सवाल उठते हैं और विडंबना ही इसे कहेंगे देश की, कि यहाँ पर जो है वो भारत के जो सांसद हैं, देश के जो विधायक हैं, वे ही खुद की सैलरी तय करते हैं और आम आदमी की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी के पीछे, पर्दे के पीछे छुप सी जाती है। फिलहाल अगर बात करें तो कई तरह के सवाल हैं, एमपी न्यूज़ भी यही लगातार सवाल उठा रहा है। आप भी आपके माननीयों से अगली बार जब भी मुलाकात हो तो यही सवाल पूछें कि आपकी सैलरी बढ़ाई जा रही है तो क्या वाकई में देश की सेवा का वो जज्बा है, क्या उतनी सैलरी के काबिल हैं या फिर हकीकत कुछ और है। सवाल कई तरह के हैं, एमपी न्यूज़ लगातार इस तरह के सवाल आगे भी उठाती रहेगी और आगे भी हम जानेंगे जनता की राय तरह तरह के मुद्दों पर और जनता के हित के मुद्दे एमपी न्यूज़ की टीम लगातार उठाती रहेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ पीयूष पारे, एमपी न्यूज़ इंदौर।